नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक होंगे मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जानी जान की एंड चोटी सबको बहुत सारा प्यार उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे अपने खर्चे पे खुश होंगे तो जी जनाब अपनी वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दो कुड़ियों क्योंकि होता है फ्री में और कर दो ना अच्छा मुझे ना एक बड़ी प्यारी सी बहन है उन्होंने मौलाना तारिक जमील का छोटा सा एक बयान भेजा है और उन्होंने कहा प्लीज़ आप अपनी वीडियो में ये लाजमीन शीन सिस्टर पढ़िएगा और बोलिएगा तो जनाब आ... मौलाना तारिक जमील साहब एक हदीस कहेंगे या वाक़ा बयान करेंगे रसूल पाक अलैहि वसल्लम के दौर का और फ़रमाया रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत का गरीब आदमी कौन होगा किसी ने कहा जिसके पास पैसे ना होंगे गरीब वही है वही होगा तो आपने सल वसलम ने कहा नहीं मेरी उम्मत का गरीब इंसान वो है जो क़्यामत के दिन बड़े बड़े अमल लेके आएगा हज रोज़ा मतलब ने एक अमल लेके आएगा कि उसने ज़क़ात दी हुई होगी मतलब अपने को हलाल करके खाता हो लेकिन उसमें एक खराबी होगी और वो होगी होगा अक्सर ना हम लोग बोल रहे होते हैं देखो, देखो, वो गाली दे रही है वो हमारी गुना आपने सर ले रही है देख लो आप क्या कह सकते हैं इनको ये बाज नहीं आ रही और बहुत घटिया इल्जाम लगा रही है जो कि बात नहीं भी होती उस भी ऊपर भी कर रहे होते हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे होते हैं जैसे कि देखो देखो वो तो तलाक या है हालांकि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही होगी किसी की के किरदार के ऊपर ऐसा अमल ऐसा, ऐसी बात करनी जो कि उसमें होगी नहीं लेकिन उसको बयान ऐसा करके बताएंगे तो फिर कयामत वाले दिन जो है आ, कहते हैं कि क़्यामत वाले दिन जो इसने जिस नेक बंदा होगा मतलब अमल किए होंगे उम्र किए होंगे इबादत की होंगी लेकिन उसका इखलाक अच्छा नहीं होगा वो जो है हकूक इबाद अपने बर्बाद करता रहा लेकिन नेकियाँ करता रहा किसी को कुछ ना समझना मैं तो भाई बड़ा कोई नेक हूँ मैं तो इबादत गुजार हूँ मैं तो ज़कूत देता हूँ मैं तो मतलब बहुत नेक अच्छे अच्छे अमल करता है लेकिन उसका इखलाक अच्छा नहीं होगा तो क़्यामत वाले दिन जो है वो लोग अल्लाह पाक के साथ फरियाद करेंगे वो वाले लोग और कहेंगे कि हमारा हक अल्लाह पाक अ, से वो वो लोग सवाल करेंगे जिनके साथ ज्यादती हुई होगी हालांकि वो खुद बेशक जितने भी गुनागार हों लेकिन फिर अल्लाह पाक कहेगा उस इंसान से जिसके पास ढेर सारी नेकियां होंगी और कहेगा कि अब दो बदला तो फिर वो बंदा अपनी जो है आ, 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 क्या कहते हैं अच्छा जी इसमें यह भी, भी वाजे कर दूँ कि जैसे कि सारे काम नेक करता रहा वो इंसान लेकिन किसी को थप्पड़ मार दी किसी को गाली दे दी किसी नौकर को जो है नौकरानी नौकर को मारा आ किसी के खिलाफ झूठा केस कर दिया किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे दी तो जिन जिन लोगों के साथ इस तरह के वाकयात हुए हुए होंगे तो वो लोग अल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से कहेंगे या तो अल्लाह अब हमें हमारा हक दिया जाए तो अल्लाह पाक कहेगा किसी को नमाज दे दो किसी को रोज़े दे दो किसी को हज दे दो किसी को उम्र दे दो किसी को जो है जो जो उनके नेक काम होंगे वो अपना देते जाओ जब ये चीज़ें माइनस पड़ जाएंगी कम पड़ जाएंगी तो फिर आ, आ, भाई इसका और क्या हल किया जाए नेकियां तो उसकी जो है ख़त्म हो चुकी हैं नमाज़ें इसको दे दी हैं जिसको थप्पड़ मारा था गवाही जिसके खिलाफ झूठी दी थी अपना हज उम्रे उसको दे दिए हैं नेकियां जो इतना सारी भर के लेके गया था उसकी नेकियां सारी बर्बाद हो गई वो तो इधर उधर बांट दी गई लेकिन जब नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जिन लोगों ने जिन्हें जिना किया होंगे चोरी की होगी चुगली की होगी तो वो उनकी गुनाह उस बंदे के सर जाएंगे क्योंकि इसके पास तो जितना था दे दिया लोगों को बांट दिया तो फिर कहते हैं हजूर अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे पे दुख होगा ये होगा गरीब इंसान के सारा कुछ कर कर के भी ना नेक अमल इबादत सारी रात जागना कुरान पढ़ना नमाजें पढ़ना लेकिन आ, अपने अखलाक अच्छे ना रखे दूसरों को कमतर समझना थप्पड़ मारना किसी को गाली दे देना तो फिर वो लोग जो है अल्लाह ताला से जब फरियाद करेंगे तो फिर ये बंदा नेकियां बांट बै, बैठेगा नेकियां दे बैठेगा लेकिन जब कुछ नहीं बचेगा तो उनके गुनाह इस बंदे के सर जाएंगे और ये ऐसा इंसान होगा कि वो जहन्नम में जाएगा गुनागार होके अपने सर गुना ले जाएगा ना दूसरों के तो वो आ, जो है आ, अपने गुनाह आ, जो है वो लेके जहन्नम में जाएगा तो दुख है ऐसे इंसान पे जो अपने जो है हकूक इबाद बर्बाद करके गया इस दुनिया में अच्छा इसका ये मतलब है मैं कल थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी और मैं कह रही थी कि देखो जिनसे नहीं भी दिल करता ना हमारा बोलने को तो उसके लिए भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं आप सुलह कर लो आप उनसे मिलो लेकिन हमें नहीं भी दिल कर रहा होता फिर भी हम सुलह कर लें फिर भी हम उनको मिलें तो भाई ये है क्योंकि फसाद ना बरपा हों आप अखलाक देखो जब सलाम मुँह सामने सलाम दुआ हो जाती है ना फिर आप बुराई नहीं कर पाते फिर आप चुप हो जाते हैं इग्नोर करते हैं चीज़ों को जब आपकी दुश्मनी होगी ना रिश्तेदारों से या कोई हमसायों से तो फिर आप जो है ना गुनाह की तरफ बढ़ते जाएंगे चुगली करेंगे गिबत करेंगे बुरा भला कहेंगे तो फिर अल्लाह तो देख रहा है ना तो उसका हिसाब किताब तो होगा तो इसलिए जो है भाई अपने इखलाक इबादत तो करते हो आप तो अखला का भी अपने बुलंद करें अखलाक भी अपने अच्छे करें तो अगर देखिए इसमें मुझे भी सीख मिली है इसमें मुझे भी सीख मिली है इस बात से और हमें सीखना चाहिए जो अक्सर हमें चीज़ों का नहीं पता होता उन चीज़ों को सीख लेना चाहिए तो अच्छा ही है और अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए ठीक है जी तो ये बहुत समझदारी आई है बढ़ी है मजीद बढ़ी है कि आपके जो सवाब होंगे वो कैसे जो है आपके इखलाक की वजह से दूसरों के पास चले जाएंगे समझ गई आगे आगे अच्छा जी फिर ये भी लोग कहते हैं अच्छा जी जिनके आसमान के तो बराबर जो के गुनाह होंगे तो फिर वो वो कैसे बख्शा जाएगा उसके गुनाह कैसे माफ किए जाएंगे तो जनाब उसका भी यही हाल है कि जब आप एक बुरे अमल में फंसे होते हैं या बुरा अमल कर रहे होते हैं छोड़ना भी जाते हैं नहीं छोड़ पाते लेकिन एक दफ़ा आपको हिदायत मिल जाती है आप तोबा कर लेते हैं उन गुनाहों की कि अब की बार या अल्लाह मैं नहीं करूँगा ये वाले अमल अब मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा मैं अच्छे रस्ते पर चलूँगा किसी को बुरा नहीं कहूँगा जब वो ये तौबा कर लेता है तो फिर अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं लेकिन तोबा सच्ची होनी चाहिए दोबारा अमल ये ना करें मिसाल के तौर अगर मैं कहती हूँ कि यार अब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी ना मैं गाली नहीं दूंगी तो मैं एक तोबा कर लेता हूँ फिर उस रस्ते पे ना चलूँ अगर चल पड़ा ना तो फिर वो वही हो जाएगा कि आप जो है अपनी तोबा तोड़ बैठे हैं तो फिर वो डबल गुना तो इसलिए जो है अल्लाह माफ़ करने वाला है बेशक जी अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेबाज़ है अच्छा जी यहाँ पे अमीन ने तीन शादियाँ क्यों की आज बीना बाजी पे बात करेंगे बीना बाजी के मैंने ब्लॉग देखे और उसके जो है ढ़े टैड़ी आपके नाम का लोग अब नहीं मान रहे वो कहते हैं इसमें बुरा क्या है ये तो फ़नी नाम है इसमें मतलब क्या है क्योंकि आप बातें इस तरह से करती हैं उस मुताबिक आपका नाम रखा गया है इसमें गाली तो नहीं है ना कि भाई गाली दी गई हो गाली नहीं है ये तो एक फ़नी सा एक वो है तो पब्लिक की यही डिमांड है ए कुरी ना ऐसे ही रखा जाए बाकी आपकी अपनी मर्जी है आप मुझे जिस नाम से बुलाएं आप ही कह के वैसे मेरे आपने एंसायर्ड कर दी है भाई जी आम मुझे आप ही कह देती है ये भी मेरे लिए गाली है लोगों से पूछो मैं उनको आप भी नहीं कहने देती अभी तो मैं जवान हूं अच्छा जी सोफा so जी अच्छा जी यहाँ पे बीना ने बीना ने शिकायत की। अरे ये ये बाजी बताना जरूरी था कि तीन शादियां क्यों की रोला है भाई इन्हें भी तीन शादियां खड़काई हुई हैं आपके डॉकदार ने आपके डॉक्टर ने भी तीन शादियां की हुई हैं इसने भी तीन शादियां की हुई है। जा अमीन जा जा डॉक्टर जा बीना डॉक्टर रूबी डॉक्टर सॉरी बीना तो हम कहते हैं ना रूबी डॉक्टर जो है उसने अपने हजबेंड का इंटरव्यू ले डाला पहली बात तो बिदत से शुरू हुई कि जो मराते नहीं है भाई हमारे इस्लाम में नहीं है खुदा रहा थोड़ा सा बदलें अपने आप को और थोड़ा सा ना चीजें सही करें थोड़ा सा ना कुरान की जो बातें हैं वो पढ़ें ये इन चीज़ों से निकलें यार क्या कह सकते हैं दिमाग ही घूम जाता है अच्छा जी अल्लाह हमें हिदायत दे अच्छा बीना ने बीना से शिकायत डॉक्टर की उसने इंटरव्यू लिया बीना ने और कहा कि जो है आप मुझे छोड़ के चली गई थी मैं बीमार हो गया और आज खुलासा किया है काफ़ी ऐसी बातों का डॉक्टर अमीन ने और जो है पहले कहा कि <coughs> Uh, मुझे तुम छोड़ के चली गई थी और अमीन ने कहा मैं बीमार हो हूँ तो उसकी जिम्मेदार तुम हो बीना ने कहा पहले तो सही थे तुम और जनाब डॉक्टर कहा डॉक्टर ने कहा आपकी वजह से मैं बीमार हो गया था आपकी टेंशन ले ली थी इसी वजह से मैं शुगर में जो है मुबतला हो गया मुझे शुगर हो गई थी आपके चले जाने की वजह से तो वो हँस रही थी और कह रही थी कि अच्छा ऐसा ही है नहीं ये है वो है ऐसे जैसे उसकी आदत है घुमा के बात करती है तो फिर उसने कहा अब आप, आपने मुझे छोड़ दिया था अगर कोई आ, जाता है तो कम से कम कुछ दिनों के लिए जाता है महीनों के लिए जाता है लेकिन आप तो पाँच छः सालों तक वापस नहीं आई अच्छा जी हमने तो सुना था ये मिलते जुलते हैं ये जब भी जाती है मिलती है लेकिन वो फिर फिर सुलह किसने करवाई है इनकी ये भी सोचने की बात है अगर ये रूठी हुई थी अगर ये जो है नाराज थे तो फिर बीना कैसे किसने सुलह करवाई है क्या डीडी ने सुलह करवाई है कौन है भाई नदीम ने सुलह करवाई है किसने करवाई होगी तो यह भी सोचने सी सोचने वाली गल है खैर डॉक्टर शिकायत करता रहा अमीन बीना से और मोहब्बत का इजहार करता रहा मुसलसल और कहा कि तुम मुझे काश छोड़ के ना जाती तुम्हारी वजह से मैं बीमार हो गया फिर खैर जो है उसने कहा कि तुम देखें जी मेरी बेटी के मसले चल रहे थे तो उसका मसला हल नहीं हो रहा था इसलिए मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ा बीना कहती है डॉक्टर को कि भाई मेरी बेटी के कोई मसले चल रहे थे जैसे आप लोगों को पता है मदनी के साथ उसकी शादी हुई हुई थी फिर वो चली गई थी फिर उसके बाद जो है फिर इसकी अर्जेंट शादी जो है शाहरुख से करवानी पड़ी तो इसलिए जो है वो तो शायद ये बातें बता रही थी कि मेरी बेटी के मसले चल रहे थे तो मैं इसलिए चली गई थी अब मसले हल हो गए अपने घर वो खुश है बच्चा होने वाला है तो इसलिए जो है मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूं मसले तो यही चले हुए थे और कौन से मसले थे अच्छा जी उसके बाद जो है बीना ने भी बताया कि मैं इस वजह से तुम्हें छोड़ के चली गई थी वरना मेरा इरादा नहीं था लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर ने और भी शादी कर ली थी अब इन्होंने बात थोड़ी सी इधर उधर करके वो बता रहे हैं खैर मोहब्बत का

पसंद की शादी की पहली शादी पसंद की की थी तो डॉक्टर कहता ना जी ना अम्मा ने जबरदस्ती की थी लेकिन नहीं चल सकी रुबीना ने कहा अच्छा दूसरी शादी का बताओ तो डॉक्टर ने कहा मैंने सोचा बच्चे होंगे तो सही चल पड़ेगी शादी तो ना पसंद शादी थी भाई वो भी मेरी अम्मी ने ही शादी करवाई थी वो मेरी पसंद की शादी नहीं थी लेकिन मैंने सोचा था बच्चे होंगे तो सही चल पड़ेगी लेकिन घसीट घसीट के रिश्ता चलाना भी सही नहीं होता मैंने जो दुनिया से या ज़िंदगी से सीखा है ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते और ज़बरदस्ती की शादी भी नहीं चलानी चाहिए मैंने सोचा था बच्चे होंगे हम लोग हंसेंगे खेलेंगे इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे लेकिन वो भी शादी ना चल सकी अब वो अपनी अपने घर बैठी है अलग से रहती है अम्मा के साथ रहती रही है भाई ये इनकी दूसरी वाइफ जो है अम्मा के साथ रहती रही है और कहा कि जो है मेरी पसंद तो सिर्फ तुम हो मेरी पसंद सिर्फ तुम हो डॉक्टर डॉक्टर रूपी तुम डॉक्टर रूबी क्या कहती अमीन तुम उसकी पसंद हो उसके बावजूद उसने साल तुम्हारा वेट किया साल <laughs> साल आपको पता है बीना का अबू भी जो है अपनी वाइफ के लिए सालों साल हो गए हैं वेट में बैठा है इंतजार में बैठा है अब बेटी के नसीब भी ऐसे तो अब्बा के नसीब भी ऐसे हैं वो जो क्या नाम है उस कुड़ी का प्रिया उसकी माँ भी तो बीना के अबू के साथ नहीं रहती ना बीना की सुतीली माँ तो वो दुबई गई हुई है कमाने के लिए इनका अब्बा अकेला रहता है ऐसे भी प्यार निभाए जाते हैं लोगों तो मैं हैरान हूँ सुन के तो डॉक्टर ने कहा मैंने इसको तलाक नहीं दी जो दूसरी वाली है लेकिन बच्चे हैं वो अपना अलग से रह रहे हैं मैं अब अलग से रह रहा हूं लेकिन जनाब इनका जीवन साथी जो है अब चल पड़ा है और ये पकी पक्की जो है रुखसत हो चुकी हैं बिना और ये आ, रूबी सॉरी रूबी डॉक्टर रूबी रूबी डंगर डॉक्टर ना कह देना इन्हो रूबी डंगर डॉक्टर वैसे देहातों में बहुत होते हैं क्योंकि जानवर <laughs> इसलिए अच्छा जी बार बार डॉक्टर कहता रहा कि छः साल बाद तुम मुझे आ, मतलब आ, मेरे पास आई हो तो अब प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ के जाना मैं तुम्हारी वजह से शुगर का पेशेंट हो गया था टेंशन ले लेके लेकिन अब प्लीज़ मुझे मत छोड़िएगा और आ, उसके बाद जो है आ, यही बातें चलती रहीं फिर बाद में एंड पे कहती है मेरे मेरी बड़ी बात होती है नाना से बात होती है मैंने ने कहा कि मेरा मीर क्या हाल है मीर तो ठीक है ना मीर ठीक है ये ना गड़बड़ी है कोई अच्छी खासी गड़बड़ी है आ, मसले मसाइल मुझे लगता है अब ना डीडी हो की तरफ से जो हो रहे हैं ये ना उसको ये ना उसमें घुस नहीं रही बड़ा पन नहीं दिखा रही चुपचाप अपने ही अब जिंदगी गुजारना शुरू हो गई है इन्हें क्या है तो खाना तो ख़त्म नहीं होना तो जिससे बेहतर है मैं अपनी जिंदगी गुजारूं और आ, गुजारनी भी चाहिए यार गुजारनी भी चाहिए ये लोग नहीं सुधरने वाले अब्बा इनका बैठा ये बाप की नहीं सुनता तो क्या बीना की सुनेगा ये भी तो बात है ना हैं अगर अकबर की नहीं सुन रहा डीडी तो क्या वो अपनी माँ की सुनेगा तो इसलिए अम्मा जो है ऐसे झेलों झबेड़ों में से निकल के अपना जीवन साथी अमीन अकदार के साथ रह रही है और उसने कसम खाई है दोनों ने आ कसम कसम चुक ली है कि अब नहीं छोड़ेंगे साथ तुम्हारा एक दूसरे का मतलब कहना चाह रहे हैं तो अब इन्होंने जो है पक्की पक्की बीना ने ऐलान कर दिया है कि मैं अब पक्की पक्की तुम्हारे पास आ गई हूँ अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रुखसत होकर आई हूँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी उधर से भी प्यार का इजहार जो है किया जा रहा था कि नहीं अब तुम मुझे छोड़ के ना जाना अम्मा जो है अम्मा मुझे लगता है अम्मा विलन का मुंह से नाम निकलने लगा था अल्लाह माफ़ करी लेकिन बीना ने तो कहा तो मेरे तो अपने मसले चल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि इनकी वालदा नाखुश थी इसलिए जो है वो दूसरी बीवी जो अमीन की है उसके साथ वो रह रही थी और उनके बच्चों के साथ और इससे ख़र्चा लेके अपने बेटे से उस बही को बहू को देती होगी और उनके बच्चे उसके साथ रह रह के उसको पाल पोस रही होगी तो अब वो फौत हो गई हैं जुमरातें चल रही हैं जैसे ही जुमरातें हुई हैं बीना फ़ौर भागी है तो यहाँ पर भी कुछ दाल में काला ज़रूर है कि इनकी जो सास थी वो इनको कबूल नहीं कर रही थी जैसे ही वो फौत हुई हैं तो बीना फ़ौर भाग के गई हैं और उस में रहना शुरू कर दिया है ठीक है जी आपको पता है मां अगर आगे आ जाए कि मेरी बहू है मेरी बहू के बच्चे हैं तो तुमने जो है इसका साथ देना है उसका नहीं देना उसके तो अलग से अपने बच्चे हैं तो बेटे को मानना पड़ता है तो इसलिए उसका अम्मा का डर खौफ अब ख़त्म हो गया है वो जो मरातों के नाम ले रहे थे आज हो गई आज इतनी जो जुम्रातें हो गई अब जो है ये हो गया तो अब हम मतलब कट्ठे रहेंगे इस तरह से इंटरव्यू लिया तीन शादियाँ जनाब डाक़दार अमीन ने भी खड़काई हुई हैं और ये रवील किया है बीना ने और कहा है कि आपको सच्चा प्यार किससे हुआ तो उसने कहा मुझे सच्चा प्यार सिर्फ डॉक्टर रूबी से हुआ <laughs> डॉक्टर रूबी से सच्चा प्यार सच्चा इश्क मुझे सिर्फ डॉक्टर रूबी से ही था और है और रहेगा और बार बार वो कस्में देता रहा और कहता रहा कि तुमने मुझे छोड़ के नहीं जाना तो भाई इनका तो प्यार बड़ा अरूज पर जा रहा है और चलो चलो अच्छा है अच्छा है, देखते हैं लेकिन ये भी नाइंसाफी नहीं है जिस बीवी को आपने तलाक ही नहीं दी और वो एम बैठी है उसके भी तो हक खराब हो रहा है ना ऐ भी सोचने की बात है कि जो बीवी बैठी है उसके साथ आप नहीं रहते अलग से उनको खर्चा खुर्चा भेज देते हैं तो ये भी तो ना इंसाफ़ी वाली बात है क्या ख्याल है कुड़ियों हैं तो खैर ये थी आज की हमारा रिव्यू और रिएक्शन डॉक्टर रूबी जो हैं पक्की पक्की रुखसत हो गई हैं अब वो वापस नहीं आएंगी बच्चों के रोले झबेड़े लेना देना उससे इसका अब कोई वास्ता तलक नहीं है तो अब जनाब ये अपना कार संभालेंगी और डॉक्टर अमीन को संभालेंगी तो खैर इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इसके साथ ही फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ अगर मेरी वीडियो चंगी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक ठोक दें और आपका क्या जाता है कुड़ियों कुछ भी नहीं जाता तो बाय ओके लव यू